जी हाँ बाप, फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त नजर आने वाले हैं, जिनकी हिंदी ऑडियंस में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उम्मीदें हैं कि ये फिल्म बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है। बॉलीवुड में एक दौर था जहां पर साधारण और मिडिल क्लास वो जिन्होंने छोटी सी चोल में 7 से 8 लोगों के साथ रहकर मुंबई जैसे बड़े शहर में भारी संघर्ष करते हुए, किसी ने नारियल पानी बेचते हुए तो किसी ने मजदूरी करते हुए और तो और लोगों के ताने सहते हुए कि तुम कभी हीरो नहीं बन सकते, लेकिन अपने दिल की सुनते हुए और लक्ष्य पर फोकस करके ये बने इंडिया के वो पहले ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने आम इंसान को ये सिखाया है कि सपने कैसे पूरे करते हैं। और तो और साथ ही अपनी फिल्म से इंडिया में ही नहीं बल्कि चाइना में भी अपने टाइम में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिथुन दा और जैकी श्रॉफ सर की। और 1982 की मिथुन दा की डिस्को डांसर इस फिल्म ने अपने टाइम में चाइना में तहलका मचा दिया था और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने उस टाइम 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो आज भी बहुत सारी फिल्मों के लिए नामुमकिन सा लगता है। जी हाँ, मिथुन दा और जैकी श्रॉफ जो कि आज तक लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, और इन दोनों को जो एक साथ एक फिल्म में देखना चाहते थे तो उन लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म का नाम है बाप, जिसमें बॉलीवुड के सबसे पहले एक्शन सुपरस्टार सनी देओल और संजय दत्त इनके साथ नजर आने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दूं, ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें दो जनरेशन के सुपरस्टार एक साथ मिलकर एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान, जिन्होंने बागी और ओम जैसी जबरदस्त एक्शन फिल्मों को बनाया है। साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है जी स्टूडियो। फिल्म में हाई ऑक्टेन लेवल के एक्शन देखने को मिलने वाले हैं और इस फिल्म और फिल्म के टीजर का इंतजार कर रहे हैं सभी फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दूं सनी पाजी की मच अवेटेड फिल्म गदर 2 जो कि 11 अगस्त को रिलीज हुआ था और खबरें आ रही है बाप फिल्म की हाई फाई है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों ही फिल्में अपने नाम इतिहास रचने वाली है, क्योंकि जहां गदर 2 में है सनी पाजी तो वही बाप में है मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त, जिनकी हिंदी ऑडियंस में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उम्मीदें हैं कि दोनों ही फिल्में बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है, ये फिल्म में कितने हजार करोड़ का कलेक्शन करने वाली है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही और भी ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।